मीनाक्षी, हाँ? मैं कितना लकी हूँ ना? कैसे? कि तुम मेरा चांद हो। तुम भी ना जीवा। इस तुम्हें पता है? चांद पे दाग अच्छा नहीं लगता है। तो शिवम क्या हो गया? लोग तो मिसाले देते हैं कि चांद पे भी दाग होता है। चांद पे एक दाग हो तो अच्छा लगता है। तुम्हारा चेहरा देखो यार, तेरे दानों से पता है। व्हाट डू यू मीन यार, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसे क्या बोलूं मीनाक्षी, अपनी शक्ल देखो, इतनी एक्ने फेस है, बंदा देखे ना, दो मिनट देख रहा था ऐसे ना, तो पी मार का पूरा टीन बाहर आ जाता है। इतना तेल क्यों रहा है मेरे से यार? ये क्या बकवास कर रहे हो यार शिवम, तुम बाहर आ गए ऐसे मत बोला करो यार। देखो अब छोड़ो इन बातों को, बट तुम मेरा चांद हो। चांद की केयर तो मुझे ही करनी चाहिए ना यार। हां वो तो करनी चाहिए। तुम्हें कहीं लेके चलो। कहां? आओ ना। कहां पहले बताओ, कहां लेके जाने वाले? ठीक आओ, चलो वहां ले जाना। बट कहां जाओ यार, ये कहाँ ले आए हो यार शिवम? आ जाओ ना आप, ये वही क्लिनिक है जो मैं आपको बोल रहा था ना, आपका मुंह ठीक कर देंगे, पिंपल पिंपल। ये है ब्यूटीलॉजी बाय अरीबा खान। यार शिवम वैसे यार आप ले आए हो, कहीं पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। ओ मीनाक्षी जैसा ये दुकान चमक रही है ना, वैसा आपको शक्ल चमकेगी। आगे इधर आओ ना अंदर। करेगा क्या ये? करेगा क्या नहीं करेंगे क्या मैम करेंगी। तो मीनाक्षी ये है डॉक्टर अरीबा खान। हेलो मैम। तो मैम ये है मेरी गुड फ्रेंड। ओके बेस्ट फ्रेंड मेरी लाड़ी। तो मैम देखिए इसके चेहरे पे ना दाने दुने बहुत बाहर आए हैं, और ऐसे फेस पे ऑयल भी बड़ा आता है, एक्ने वाली इसकी वो। ठीक है मीनाक्षी, कब से आपको एक्ने इसकी प्रॉब्लम आ रही है? ये मेरे को ना मैम काफी देर हो गई है, मुझे याद भी नहीं। थोड़ा टर्न करोगे? कुछ पहले ट्रीटमेंट लिया आपने इसका? हाँ मैंने ना बड़ी डॉक्टर से मतलब मेडिसिन वगैरह खाई है, ट्यूब जेल लगाती थी, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। इन शॉर्ट मैम इसने मेरे बड़े पैसे जाए किए हैं, मैंने पुटे हैं मेरे पैसे। कोई बात नहीं, अब हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, पीआरपी करेंगे आपके फेस के लिए, जिससे आपके एक्टिव एक्नेस भी स्टॉप हो जाएंगे, जो स्कार्स रह गए वो भी हील हो जाएंगे। मैम पीआरपी तो जो मैम जिनके से बाल चीरा होता है थोड़े से बाल के लिए होती है ना, पीआरपी मैम फेस पे थोड़ा होती है। नहीं नहीं सर, दोनों चीजों के लिए हम करते हैं पीआरपी। बेसिकली इसमें आपका ही ब्लड लेना है, उसमें से हम प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करेंगे और आपकी स्किन पे डालेंगे, सो डाल उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसका 1 आवर का प्रोसीजर रहता है, सो डैट हम नंबरिंग अप्लाई करेंगे, 30 मिनट्स के लिए रखेंगे, सो डैट प्रोसीजर पेनलेस रहे, ताकि मीनाक्षी हमें ट्रीटमेंट आराम से करने दे। तो मीनाक्षी ने स्टेजेस देके भाग जाना है। मैम इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं? नहीं नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी नहीं होगा, आपका अपना ब्लड होगा जिसमें से हम प्लाज्मा निकाल के आपके स्किन पे इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि मीनाक्षी जो आपके पिंपल्स है ये भी एक्टिव एक्नेस भी स्टॉप हो जाएंगे, एंड ये स्कार्स है, ओपन पोर्स है, फाइन लाइंस, ये सब चीजें आपकी प्रिवेंट होगी। पीआरपी बहुत अच्छी चीज है, मतलब मेरा परमानेंटली ठीक हो जाएगा। हां जी परमानेंटली, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी जी, क्योंकि ये ट्रीटमेंट रहेगा, इसमें हम आपको कोई मेडिसिन नहीं देंगे, कुछ लगाने के लिए नहीं दे रहे, कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे, ये ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं जिसके आपको रिजल्ट आपको 15 डेज में आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहली बार जिंदगी में अच्छा काम किया है। ठीक है मीनाक्षी स्टार्ट करें। जी मैम बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका था, और सबसे पहले इन्होंने मेरा 10 ml ब्लड जो है वो निकाला। उसके बाद ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसमें मेरे ब्लड को डाला, और मैं आपको बता दूं इस मशीन का काम क्या है। इस मशीन का काम है मेरे ब्लड में से मेरा प्लाज्मा अलग करना। ये जो आप येलो देख रहे हैं ये मेरा प्लाज्मा है, देन इसे मेरी स्किन में इंजेक्ट किया गया डायरेक्टली। एंड मैं आपको बता दूं मेरे फेस पे नमिंग क्रीम लगी थी जिससे मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुई, एंड ये जो प्लाज्मा है ये सीधा मेरी स्किन में जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मुझे कोई भी दवाइयाँ लेने की या फिर कोई जेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज मैं आई थी ब्यूटीलॉजी, जैसे आपने देख लिया मेरा ट्रीटमेंट, तो ये मेरा ट्रीटमेंट हो गया, मेरा फेस देख सकते हैं कैसा है। इसका रिजल्ट मिलेगा 15 दिन बाद जब मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, तो गाइस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मेरे रिजल्ट देखने के लिए वीडियोस देखते रहना। ओके बाय गाइस।